हालत खराब हो गई है भाई लोगों की। ये देखो, जय श्री राधे। ये देखो देखो जी, वर्कआउट ना करने का। फॉल में आप देखो कितना शानदार वाटरफॉल है। जिम कॉर्बेट में है ये। आप नैनीताल जाओगे तो बीच में जिम कॉर्बेट पड़ेगा और चूनागढ़ वाटरफॉल ये है फॉरेस्ट के अंदर में। बहुत मज़ा आ गया नहा के, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा। ठंडा पानी बिल्कुल, जहाँ दिल्ली में 40-44 टेम्परेचर है, वहीं यहाँ आप देखो कि इतना अच्छा खुशनुमा मौसम। और ऐसा अगर वाटरफॉल मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आप लोग आओ और इन्जॉय करो इसी तरह से। फाइनली हम झरने से नहा के आ गए हैं, कपड़े पहन लिए हैं भाई। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और झरने का पानी जो ठंडा था, ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। चूनागढ़ वाटरफॉल जिम कॉर्बेट में है। कभी आना हो तो इस वाटरफॉल पे ज़रूर आएँ। फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, ग्रुप्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। तो बाबा नीम करौली जी का नाम आपने सुना है। हम अभी थोड़ी देर में, एक घंटा तो देखो लगेगा कम से कम, एक डेढ़ घंटा तो आपको पहुँच के बाबा के दर्शन भी करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज जी। तो अब हम आ चुके हैं बाबा की पावन नगरी में, कैची धाम। कैची नाम इसलिए पड़ा हुआ है, देखो ये जो मोड़ है ये कैची के आकार में मोड़ है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कैची धाम का इतिहास यही है और बाबा का यहाँ पे आश्रम है। लगभग पहुँच चुके हैं बाबा नीम करौली जी का आश्रम। ये आप गाड़ियाँ देखो कितने दूर दूर से लोग आए हैं। पहले यहाँ पे पार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, बाबा की बहुत मान्यता है, तब से यहाँ पार्किंग भी बना दी है। और बहुत दूर दूर से, इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पे लगभग लोग आते हैं। ये आप देखोगे हरियाणा नंबर गाड़ी, दिल्ली नंबर, यूपी नंबर, और अभी आपको एमपी नंबर भी मिलेंगी। यहाँ पे हर राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं। सामने वो बाबा का मंदिर देखो, वो अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे अंदर जाके। अंदर तो फ़ोन नहीं ले जाने देते, लेकिन हाँ गेट तक तो लेके जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। फाइनली बाबा के दरबार में भाई पहुँचते हुए कैची धाम आश्रम। या आप देखो कितनी भीड़ है। आप देखो कितनी भीड़ है, देखो। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। और आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, जितनी शानदार ये खूबसूरत जगह है उससे कहीं ज़्यादा गुना सुंदर बाबा का ये मंदिर कैची धाम आश्रम। दूर दूर से लोग आए हुए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। आज तो सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन भी इतनी भीड़ है। और अब हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम बाबा के दर्शन करने लगभग 2 महीने बाद आए हैं और अंदर जाके दर्शन करके आएंगे तो आपसे वापस मुलाकात करेंगे। दर्शन हो गए भाई बाबा के, बहुत 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 अच्छी तरह से दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतनी भीड़ होने के बाद भी दर्शन में ये नहीं कि मारा मारी हो, इस मंदिर की यही खासियत है। दर्शन करने के लिए बहुत तरीके से हमें लाइन बनाई गई है अंदर। अंदर तो खैर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, पर इतनी भीड़ होने के बाद भी दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारे अंकल हैं, जय श्री राम जी। काफ़ी बार, कम से कम भी आप ये लगा लो भाई 5 से 6 बार यहाँ सामने से निकल जाते थे और मंदिर बाबा के दर्शन हो नहीं पाते थे। हमेशा दिल्ली से आते थे, दर्शन जरूर करेंगे, इस बार दर्शन जरूर करेंगे, लेकिन हो नहीं पाते थे। तो वही कि बाबा जब बुलाएंगे, और बाबा ने क्या है कि जब बुलाए तो फिर ऐसे बुलाए कि इतने अच्छे दर्शन भी करा दिए। आप लोग भी कभी कैची धाम आओ तो भाई बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर यहाँ का वेदर देखो, यहाँ पर जो नदियाँ चलती हैं नीचे वो देखो।
बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। नैनीताल से 18 किलोमीटर ऊपर आप आओगे तो कैची धाम आपको 18 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा। कैसे दर्शन हुए भाई आपके, बताओ ज़रा, बताओ कुछ हमारे दर्शकों को, कुछ भाइयों को। बहुत बढ़िया जी, मज़ा आ गया। मज़ा आ लिया। राधे राधे, जय श्री राम। ये देखो आप कितने दूर दूर से लोग आए। सभी लोग आप भी बाबा के यहाँ से दर्शन कर लो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, जय श्री राम।